और जैसे आप लोगों को पता ही होगा, खड़गपुर आईटी में एडमिशन पाने के लिए कितनी जान झोंक देना पड़ता है, कितना आपको पढ़ना पड़ता है इसके लिए। और हाँ, ये है कि आप लोगों का एक बार अगर एडमिशन हो गया तो फिर आपका लाइफ तो वहाँ पर बन जाना है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप लोगों ने देखी होगी वो फिल्म, फिल्म भी देखी होगी फ्रेंड्स आप लोगों ने, तो कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है खड़गपुर खड़गपुर क्या कोई आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए कितना आप लोगों को मेहनत करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है फ्रेंड्स अपने लाइफ को बनाने के लिए। तो ये खड़गपुर आईआईटी के लिए, अगर अगर आप खड़गपुर आते हैं तो आईआईटी ज़रूर जाइए और वहाँ से एक बार ज़रूर घूम कर आइए। यहाँ पर देखिए सिरसा ओपन जिम जिमनाजी और मिस्टर अर्चना जोशी जनरल मैनेजर। देखिए अर्चना जोशी जी जो थी जीएम साहिबा, इन प्रेजेंस ऑफ मिस्टर महुआ वर्मा पीसी पीओ एसीआर श्री मनोरंजन प्रधान डीआरएम खड़गपुर, मनोरंजन प्रधान थे। और अर्चना जोशी जी जो थी हमारे जीएम साउथ ईस्टर्न रेलवे के, उनके द्वारा यहां पर इनोग्रेट किया गया था ये जिम। और अभी थोड़ा बारिश वरिश हो गया ना फ्रेंड्स, तो सब में ना जंग सा लग गया है, रख रखाव हालांकि थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, रख रखाव थोड़ा और अच्छा हो सकता था। रख रखाव मतलब क्या, ये सारी चीज़ें ना बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ थोड़ा जंग लगने का थोड़ा डर रहता है। हालांकि थोड़ा रंग वंग मार के उसको सफाई कर दिया जाता तो शायद ये शायद कुछ कुछ और दिन टिकता फ्रेंड्स। लेकिन खास यहाँ पर शायद करेंगे, हो भी सकता है आगे करेंगे, रंग भी करेंगे शायद। तो ये बैडमिंटन जैसा बैडमिंटन हॉल, ये बैडमिंटन हॉल है फ्रेंड्स यहाँ पर अंदर जो है फ्रेंड्स, बैडमिंटन का जो हॉल है वो देखिए, ये इसके अंदर बैडमिंटन खेला जाता है फ्रेंड्स। बैडमिंटन हॉल है और बैडमिंटन हॉल में ही यहाँ पर बैडमिंटन का जो भी कंपटीशन होता है रेलवे जो ऑर्गेनाइज करती है, फिर जो भी टूर्नामेंट होते हैं बैडमिंटन का, वो इसके अंदर ही होता है फ्रेंड्स। और ये ओपन जिम है, ओपन जिम में कोई भी कर सकता है जिम। और यहाँ पर बैडमिंटन हॉल, देखिए बैडमिंटन हॉल, इसके अंदर बैडमिंटन होता है फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पर रहने के भी सुविधाएं हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी क्रिकेट खेलते हो या बैडमिंटन खेलते हो या जो भी बाहर से जो भी स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, सारी रहने से लेकर रहने की भी सुविधाएं हैं यहाँ पर। हॉस्टल है, हॉस्टल में आप रह सकते हैं और रहने की सुविधाएं हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, सारी चीज़ों की व्यवस्था है। तो यही था फ्रेंड्स आप लोगों को लाइव में आकर बहुत सारी चीज़ें बताना था, बताया मैंने। होपफुली कि आप लोगों को खड़गपुर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो पता चला होगा। तो सभी भाइयों को एक बार फिर से दिल से राम राम, और सभी भाइयों को दिवाली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि दिवाली तो पार हो गया है, तो उम्मीद करता हूं कि दिवाली में आप लोग सभी सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और छठ पूजा भी आप लोगों का बहुत अच्छी तरीके से जाए, इसी कामना है फ्रेंड्स। सावधानी से रहिएगा और सावधानी से छठ मनाइएगा, छठ पूजा का त्यौहार, और सेफ रहिएगा बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत देर तक आप लोगों के साथ जुड़ा रहा, एक बार फिर से सभी भाइयों को राम राम, प्रणाम, सलाम।